हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे क्वेरीज आ रही थी कि CPCT एग्ज़ाम क्या है, कैसे होता है, कब होता है, इसके बारे में प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज मैंने वही किया है, मैं आप लोगों के लिए CPCT एग्ज़ाम की ईच एंड एवरी डिटेल इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। CPCT एग्ज़ाम क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कितनी होती है, कितने चांसेस मिलते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कि CPCT एग्ज़ाम क्या है। दोस्तों, पहले MP में टाइपिंग एग्ज़ाम को पास करने के लिए टाइपिंग बोर्ड होता था, पर क्योंकि अब टाइपिंग तो होती नहीं है, टाइपिंग के साथ कंप्यूटर भी कंपलसरी है, तो क्लरिकल और ये टाइपिंग जो जॉब्स होती थी, ये टाइपिंग जो टेस्ट होता था, ये जो है जितने भी स्टेनो ऑपरेटर्स जो हैं, क्लरिकल ग्रेड 3 वाले, ऑफिस असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, जितनी भी पोस्टें निकलती थी, ये सब जो है इन सब पोस्टों में टाइपिंग का जो है वो मार्कशीट लगता था। पर क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइपिंग बोर्ड को ख़त्म किया, तो एक CPCT एग्ज़ाम को लॉन्च कर दिया। ये CPCT एग्ज़ाम का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी क्लैरिफिकेशन टेस्ट, CPCT। ये लगभग साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, इसके एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ता है, और इसके एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। वो स्कोर कार्ड कंपलसरी होता है किसी भी जॉब के लिए। तो ये तो था CPCT। जब तक आप CPCT पास नहीं होगे, तब तक आपको इन जॉब्स में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी मैंडेटरी हो गया है। जी हाँ, इसको जो है गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ MP ने C3/15/2014 1/3 जो 26 फरवरी 2015 को ऑर्डर रिलीज़ किया था, जिसके अंतर्गत CPCT को किसी भी जॉब्स में जो कि क्लरिकल ग्रेड 3 की है, ऑफिस असिस्टेंट की है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या किसी भी टाइप की इस तरह की जॉब्स में इसको मैंडेटरी कर दिया है। मतलब जो है ये जो जॉब्स हैं ये मैंडेटरी हो गई हैं, ये मैंडेटरी है। ये मतलब कोई भी जॉब्स निकलेंगी डेटा एंट्री की या ऑफिस असिस्टेंट की या डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आपको CPCT पास होना कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल आता है कि CPCT की एलिजिबिलिटी क्या है। तो CPCT की एलिजिबिलिटी ये है कि आपको जो है एक तो 12th पास होना चाहिए। 12th पास होने के साथ साथ जो है या तो 12th पास हो या आपने अपने पॉलिटेक्निक से जो है डिप्लोमा किया हो 10th पास हो, मतलब या तो आप 10th पास हो और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो, या फिर आप हायर सेकेंडरी हो। ठीक है, एक फर्स्ट तो एलिजिबिलिटी यही है कि आपको 12th होना चाहिए, और अगर 12th नहीं है, आपका पॉलिटेक्निक है, तो 10th प्लस पॉलिटेक्निक होना चाहिए। दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो CPCT का रजिस्ट्रेशन होता है उसके टाइम पे आप 18 ईयर्स की एज के होना चाहिए, मतलब आपकी एज जो है 18 ईयर्स की होना चाहिए। अब दोस्तों, ये तो हो गई कि CPCT क्या है, ये मैंडेटरी है, इसके एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैंने बता दी। अब अपन आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है इसका, तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 आंसर्स वहाँ पे दिए देंगे, आपको सही आंसर लेके मार्क करना रहेगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये बेस्ड होते हैं इन सब फैमिली मतलब जो है आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से निकल के आएंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ आपके IT स्किल्स नेटवर्किंग से कुछ क्वेश्चंस निकल के आएंगे, कुछ आपकी इंग्लिश जो है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह उससे निकल के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग से आएंगे, और कुछ जनरल अवेयरनेस से आएंगे। दोस्तों, टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं, और लगभग जहाँ तक अंदाज़ा है ऐसा है कि ये जो पार्ट है पूरा ये 40 क्वेश्चंस को लेके चलता है। 40 to 45 क्वेश्चंस इन तीन पार्ट में से 40 to 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस है मतलब जो बचे अपने 35 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस ये आपके इंग्लिश, मैथमेटिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये तीन बाकी टॉपिक्स ये तीन
क्वेश्चन, मतलब ये जो बाकी 35 क्वेश्चंस इन तीन टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें टाइपिंग टेस्ट भी कंपलसरी है, टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज के लिए टाइपिंग का टेस्ट भी परफॉर्म होगा, जो कि 15 मिनट के होंगे, 15 मिनट्स के होंगे। आपको 15 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, 15 मिनट आपको हिंदी टाइपिंग का टेस्ट देना होगा। दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग तो नॉर्मल है, पर आपको हिंदी टाइपिंग ध्यान रखना है कि हिंदी टाइपिंग का जो टेस्ट है वो दो ही में होगा, या तो रेमिंगटन गेल में होगा या इन स्क्रिप्ट में होगा। दोस्तों अगर आपने हिंदी टाइपिंग सीखी है तो आपको पता होगा रेमिंगटन गेल या इन स्क्रिप्ट क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता है दोस्तों अगले वीडियो का आप वेट करिए, अगले वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें जो बताता हूँ ये रेमिंगटन, अगले वीडियो में आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा कि रेमिंगटन गेल फॉन्ट क्या होता है, इसका जो है कृति डेवलियर्स जो फॉन्ट है उससे क्या अंतर आता है, इन स्क्रिप्ट फॉन्ट कैसा होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 75 क्वेश्चंस तो इस वाले पोर्शन में से पूछे जाएंगे और बाकी टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन, टोटल जो आपका पेपर आता है वो 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स के पेपर में आपको जो है दोनों पेपर्स में पास होना पड़ेगा, दोनों सेक्शन में पास होना पड़ेगा, मतलब आपके 150 मार्क्स का क्वेश्चन है और 75 का जो है इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए और इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं कि एक बंदे को कितने चांस मिलते हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम देने के। तो दोस्तों ऐसा है कि जो भी कोई बंदा है जिसने एक बार सीपीसीटी दे चुका है और मान लो उसको उसका क्लियर नहीं हुआ है तो कितनी बार भी वो अटेम्प्ट कर सकता है, या मान लीजिए अगर कोई बंदा है जो सीपीसीटी एग्ज़ाम दे चुका है और उसके स्कोर कार्ड में कम स्कोर है, वो अपने स्कोर को बढ़ाना चाहता है, तो भी वो कितनी बार भी सीपीसीटी एग्ज़ाम दे सकता है, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है। जब भी इसको उसको एग्ज़ाम देना रहेगा, जब एग्ज़ाम निकलता है उसको एग्ज़ाम फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा, तब जाके वो एग्ज़ाम दे पाएगा। अब दोस्तों आते हैं कि इसकी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी क्या होती है सीपीसीटी के। तो दोस्तों सीपीसीटी के स्कोर कार्ड अगर आपने एक बार स्कोर का आपने एक बार सीपीसीटी निकाल लिया, मतलब आपने एक बार सीपीसीटी को क्लियर कर लिया, तो वो जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है दोस्तों वो 4 ईयर्स तक रहती है, 4 साल तक। और ये जो लागू हुआ है ये हुआ है अगस्त 1900 एग्ज़ाम के बाद, मतलब जितने भी एग्ज़ाम अगस्त 19 के बाद होंगे उनकी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 4 ईयर्स रहेगी, 4 साल के बाद आपको दोबारा सीपीसीटी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस बीच में मान लीजिए आपके स्कोर कार्ड का आप स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें रीअपियर हो सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, अब मैं टेस्ट पैटर्न आपको बताता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि टेस्ट पैटर्न कैसे उसको मतलब टेस्ट पैटर्न कैसा रहता है सीपीसीटी का। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो 75 मार्क्स के होते हैं, और इन 75 मार्क्स के क्वेश्चंस को 75 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप मतलब सॉल्व करने के लिए आपको 75 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 75 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना रहता है, 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर्स होते हैं, आप जो भी आपकी चॉइस चाहेंगे वो चॉइस के क्वेश्चंस पेपर आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है इंग्लिश का और 15 मिनट का होता है हिंदी का। लेकिन दोस्तों इंग्लिश के टाइपिंग टेस्ट के लिए 15 मिनट का जो इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आपको मॉक टेस्ट के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब टाइपिंग टेस्ट शुरू होने से पहले आपको 5 मिनट का एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके मार्क्स हालांकि इंक्लूड नहीं होते हैं स्कोर कार्ड के अंदर। ऐसे ही हिंदी टाइपिंग के लिए 15 मिनट का टेस्ट होता है, उसके लिए जो मॉक टेस्ट का पीरियड है वो 10 मिनट्स है, मतलब 10 मिनट आपको मिलेंगे आपकी हिंदी टाइपिंग को करने के लिए। जब आप ये मॉक टेस्ट कर लेंगे उसके बाद आपको आपकी हिंदी टाइपिंग का पेपर शुरू होगा। टोटल जो है 75 मिनट्स तो ये हो गए और 75 मिनट्स ये हो गए, टोटल मिला के आपका जो है 15 मिनट का मतलब ये 150 मिनट्स का टोटल पूरा पेपर होता है। इसमें 15 मिनट चेंज ओवर के भी मिलते हैं, मतलब अगर आपको चेंज करना चाहे या कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना चाहे तो वो 15 मिनट आपको चेंज ओवर टाइम मिलता है। इसके अलावा ये पेपर दोनों में आते हैं मैं बता चुका हूँ, आप अपने सिटी में जाके जहाँ पे भी ये 5 या 6 सिटीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उन सिटीज़ में जाके आप इन पेपर्स को दे सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, मतलब क्वेश्चंस आप गलत भी करते हो तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो था पैटर्न आपका। अब अपन लोग आते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड में देखिए क्या होता है, सीपीसीटी आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 50% मार्क्स चाहिए, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें आपके 38 मार्क्स आने चाहिए,
38 मार्क्स आने चाहिए 75 में से, और इसमें इंग्लिश टाइपिंग में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग में जो आपकी स्पीड है 20 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत मैंडेटरी है, अगर आप ये सब मतलब अगर आपकी स्पीड इतनी नहीं बनती है तो आप पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी अलग से पास होना है, हिंदी में भी अलग से पास होना है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपको अलग से पास होना है। इन तीनों में इतने इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं 50% बताया था, तो इंग्लिश में 30 से 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड को वो लोग 50% मानते हैं, ऐसे हिंदी टाइपिंग में वो 20 से 25 वर्ड्स पर मिनट को 50% मानते हैं। तो दोस्तों आपको हिंदी में लगभग 20 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड चाहिए, और 38 मार्क्स आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चाहिए। जब आप ये तीनों अलग अलग अटेम्प्ट करोगे वो अलग अलग आएगा, तब आपका CPCT का स्कोर कार्ड जनरेट होगा। अगर आप इतना अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो या इससे कम मार्क्स आते हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में आ जाओगे, आपको एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये रहता है कि इसकी एग्ज़ाम फीस क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि CPCT एग्ज़ाम होते कब हैं। तो दोस्तों ऐसा एक्चुअली क्या होता है, जब भी CPCT एग्ज़ाम आने वाला होता है उसको आपको चेक करने के लिए आपकी CPCT की जो मेन वेबसाइट है www.cpct.mp.gov.in, इस पर आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। अगर आप विजिट नहीं कर पाते हो तो हर 2-3 दिन में विजिट करो, क्योंकि कम से कम 15 दिन का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा जो है, अगर CPCT एग्ज़ाम होने वाली होती है तो जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, सब में उसका ऐड आता है, उन एड्स को पढ़ के भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। वैसे हर साल 2 बार CPCT एग्ज़ाम जो है वो आयोजित। अब दोस्तों बात आती है कि CPCT की एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों अभी जो नोटिफिकेशंस पड़े हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, उसके हिसाब से CPCT की जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो 660 रुपीज़ है। ये नॉन रिफंडेबल है, अगर एक बार आप इसका फॉर्म भर देते हो तो आपको 660 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। दूसरी बात आती है दोस्तों कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इसको कैसे जमा करना है फीस को। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जब एप्लीकेबल होगी, जब CPCT का एग्ज़ाम निकलेगा। अभी इस टाइम पे आज की डेट में एग्ज़ाम अभी नहीं हो रही है, जब भी होगी आपको CPCT की वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। जब भी आपकी हो आपके एग्ज़ाम आएगी तो आपको CPCT की वेबसाइट पे जाके लॉगिन ID बनाना पड़ेगी, आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, और इसी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन से आप अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अपने UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करते हैं तो किसी भी MP ऑनलाइन पे जाके आप अपने पेमेंट को कैश दे के करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था CPCT एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों अब वेट कीजिए अगले वीडियो का, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CPCT एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, उसको अपन कैसे करेक्ट करेंगे, कितने कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से आएंगे, पढ़ाई कैसे करनी है, वो पूरी चीज़ें मैं आपको अगले सेक्शन में बताने वाला हूँ। और उसके लिए हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग के लिए कौन से ट्यूटर्स अच्छे हैं और कहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। दोस्तों वेट करिए अगली वीडियो का। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।